हेलो दोस्तों, वेलकम बैक रेनू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये मैंने मिर्ची हैं, ये बड़ी वाली मिर्ची हैं, इनको मैंने धो के पोंछ लिया है। तीखी नहीं होती है, इनके मैं बनाऊंगी टिपोरे। ये आधी किलो मिर्ची थी, आप कह रहे होंगे 2 मिर्ची लेके बैठी हुई है। इनको ना मैंने ना ऐसे काट लिया है। वैसे तो मैं इनका गोल काटने वाली थी, पर मैं आज इनको ऐसे ही बनाऊंगी। इस तरीके से काटी हूँ मैंने ना इनको, ना मिर्चियों को इसमें काटा है चॉपर में। इसमें अच्छा है, ऐसे बनाऊंगी ना अच्छी लगेंगी थोड़ी सी। तो मैं ऐसे ऐसे इस तरीके से मैंने इसको काटने में किया था। देखो अच्छे से कट गई है ना। इसमें काम भी काफी आसान हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। इसका ये पीछे की डंडी निकाल दूंगी। इसे इसमें लगाने के बाद मिर्चियों को बड़ा बड़ा ऐसे, पहले मैं ऐसे ही बनाने वाली थी इस तरीके से गोल गोल मिर्ची काट के, पर फिर मन मैं हुआ कि आज कुछ अलग बनाती हूँ, आज गोल मिर्ची नहीं काट के ऐसे काटूंगी। मैंने फिर इसमें ही काट लिया इसको। अब इसका ऐसे ढक्कन लगा के और फिर से इसको मैं इस तरीके से काट। देखिए कितने अच्छे से कट गई ना। ज़्यादा बारीक नहीं करनी है, थोड़ी मोटी रखें। मैंने थोड़ा मोटा ही रखा है इसको, और भी बारीक करना चाहती तो हो जाता, पर ज़्यादा बारीक नहीं करना। इसी तरीके की मिर्ची बनाऊंगी आज मैं। इधर मैंने गैस ऑन कर दिया, इसे रख दूंगी गैस पे। और मैं इसमें डाल दूंगी तेल सरसों का, क्योंकि ये सरसों के तेल में ही अच्छी लगती हैं। छौंकने के लिए मैंने लिए इसमें काली सरसों, मेथी दाना, थोड़ी सी सौंफ, जीरा और थोड़ी सी हींग, और इसमें थोड़ा सा ना अजवाइन भी मिक्स है। और लिया ही थोड़ा सा लहसुन, इसको मैं कूट लूंगी अच्छे से। लहसुन को मैंने अच्छे से कूट लिया है बारीक। अब मैं इसमें लहसुन ही ज़्यादा पड़ता है, इसमें लहसुन का ही मेन टेस्ट होता है। और मैंने ये जो मसाला है ना सूखा मसाला, तेल गरम हो गया सरसों का, अब मैं इसमें इसको डाल दूंगी। और गैस की फ्लेम स्लो कर दें और मैं इसमें इसको भी डाल दूंगी, लहसुन को भी, और इसको अच्छे से भून लें। गैस की फ्लेम सिमी रखें वरना लहसुन ना जल जाएगा। लहसुन अच्छे से भुन गया है, तो अब इसमें मैं ये मिर्चियां ना, ये मिर्चियों को डाल दूंगी। और इन्हें मिक्स कर दूंगी। अब डालूंगी इसमें थोड़े से मसाले, हल्दी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और इसमें डालूंगी धनिया पाउडर। बस इसके बाद कोई मसाला नहीं इसमें पड़ेगा, बस यही पड़ेंगे। हल्दी थोड़ी कम लग रही है मुझे, तो मैंने इसलिए थोड़ी हल्दी और डाल दी है। और इसको अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए इसको ढक दें। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर ढक के पकाऊंगी। अब 5 मिनट बाद इसको मैं चेक करूंगी। 5 मिनट हो गए, अब मैं मिर्चियों को चेक कर लेती हूँ। और इनको चला दूंगी। देखिए मिर्ची लगभग हो गई है, इनको ज्यादा नहीं पकाना है। मैं गैस की फ्लेम हाई कर दूंगी। और ये ना नींबू का रस है, मैंने एक नींबू लिया है, बड़ा नींबू था तो उसमें बहुत सारा रस निकल आया है। और अगर आप चाहें तो इसमें 2 नींबू डाल लें, आप जितना खट्टा चाहें। ये तो एक नींबू में इतना सारा रस निकल आया है, मैं तो पूरा डाल दूंगी। इसको डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और गैस की फ्लेम हाई रखें, उसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही भून लें अच्छे से। मिर्चियों को मैंने अच्छे से भून लिया है, अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर दूंगी और मिर्चियों को निकाल लूंगी।
ये ना मिर्ची ना पूड़ी पराठे के साथ खाओ, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। हाँ अगर आप ना इनमें मिर्चियों में अगर आप इनका बीज निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, वैसे इतनी तीखी नहीं होती है ये, मैंने बीज नहीं निकाले, आप चाहें तो आप निकाल सकते हैं। देखिए मिर्ची बन गई है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।